हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं रेलवे का कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2019 का। आप फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इससे पता चलेगा कि पहले कट ऑफ कहाँ की ज़्यादा गई थी और कहाँ की कम गई थी। इससे पता चल जाएगा कि 5 डेंजर जोन कौन से हैं और 5 सेफ जोन कौन कौन से हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी जानना जरूरी है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और वो भी आपके साथ वहां पर फॉर्म भर सके। तो जान लेते हैं कौन कौन सी कट ऑफ है। तो ये देख रहे होंगे आप, कोश किसकी है? मुंबई की। तो आप देख सकते हो मुंबई की कट ऑफ क्या गई थी पहले। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल, तो आप देख सकते हो कम्युनिटी, यानी कि आप कम्युनिटी कौन कौन सी है उसके हिसाब से देख सकते हो। तो जनरल की बात करते हैं, जनरल की 67 गई थी, यानी कि ये भी सेफ जोन माना जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 67 बहुत ही कम कट ऑफ मानी जाती है, ठीक है, जनरल के लिए। ओबीसी की बात करते हैं 63, जो कि सेफ जोन है बिल्कुल, मुंबई बिल्कुल आपका सेफ जोन माना जाता है, मुंबई से फॉर्म फिल कर सकते हो। एससी की बात करते हैं 58% गई है यहाँ से, और एसटी के लिए बिल्कुल सेफ जोन है, एससी एसटी ओबीसी जनरल, तीनों चारों जो कैटेगरी है उन सभी के लिए बिल्कुल सेफ जोन है। तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट सेफ जोन आ चुका है आपका मुंबई। तो आप बात करते हैं मुंबई की, ठीक है, तो आप इसमें से फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। फिर आप बात करते हैं अपन इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में क्या गई थी वो भी आप देख लीजिए, जनरल की देख लो 74 गई है, यानी कि ये क्या है, एक डेंजर जोन है जनरल के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एससी, एससी की 62 गई है, जो कि ये भी एसटी के, एससी के लिए डेंजर माना जा सकता है। एसटी, एसटी के लिए ये सिंपल है, एसटी के लिए सेफ जोन है बिल्कुल, एसटी वाले यहाँ से फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, जो भी एसटी का कोई भी स्टूडेंट है वो यहाँ से फॉर्म जरूर अप्लाई कर दे। ओबीसी, इनके लिए भी थोड़ा डेंजर है, ज़्यादा डेंजर तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं बात कर लेते हैं अपन इलाहाबाद, इलाहाबाद की थी वो भी अभी, जो आप ये अहमदाबाद की, सॉरी, तो अहमदाबाद की कट ऑफ देखिए आप, ये जनरल की बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल वाले यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि सेफ जोन है। ओबीसी, ओबीसी के लिए भी सेफ जोन है, एससी, एससी के लिए थोड़ा रिस्की है, तो आप देख सकते हो इसको। एसटी, इनके लिए ये थोड़ा खतरनाक जोन है, यानी कि डेंजर जोन में आ गया एसटी के लिए और एससी के लिए, तो दोनों यहाँ से फॉर्म नहीं भरे, जनरल और ओबीसी वाले यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए सेफ जोन है अहमदाबाद। अब बात करते हैं अपन चंडीगढ़ की, जो कि सब बच्चे मानते हैं कि सबसे डेंजर जोन है, जो कि डेंजर जोन नहीं है एससी और एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए तो है ही सही, एससी वालों, एसटी वालों के लिए बिल्कुल सेफ जोन है, एससी वाले थोड़ा यहाँ से रिस्की है, ओबीसी वालों के लिए ठीक है, ओबीसी वालों के लिए भी थोड़ा रिस्की है, एसटी जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, पूरी कट ऑफ आप देख सकते हो, इस कट ऑफ की पीडीएफ जिसको लेनी है वो टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी आपको पूरी। अब बात करते हैं अपन कोलकाता की, जो कि यहाँ से कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, एसटी के लिए सबसे सेफ जोन ये भी है बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं एससी के लिए, बिल सबसे डेंजर जोन एससी के लिए, ओबीसी के लिए सबसे डेंजर जोन, जनरल के लिए सबसे डेंजर जोन, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है इस बार की कोलकाता से। तो देख सकते हो कोलकाता से फॉर्म भरना बहुत ही डेंजर रहेगा आपके लिए, तो आपके लिए सबसे डेंजर जोन जो कि कौन सा है, कोलकाता। अब बात करते हैं अपन सिकंदराबाद की, जो कि बहुत अच्छा जोन है, यहाँ से सबकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, यानी कि सेफ जोन है बिल्कुल, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो 101%। अब बात करते हैं अपन किसकी, देख लो जनरल की गई है 69, ओबीसी की 65, एससी की 59 और एसटी की 56, यानी कि सबसे सेफ जोन कौन सा माना जा रहा है अभी तक का, सिकंदराबाद है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए बिल्कुल सेफ जोन है। अब बात करते हैं बेंगलोर की, बेंगलोर सबसे सेफ जोन, नंबर वन सेफ जोन कौन सा माना जाएगा, बेंगलोर, यानी कि सबसे कम कट ऑफ 2018 की, बिल्कुल 2019 में जो भी पेपर हुआ था उसकी, ग्रुप डी का जो हुआ था पेपर, सबसे कम कट ऑफ कहाँ की रही है ये पूछ लिया जाए आपसे, तो बेंगलोर की सबसे कम कट ऑफ, यानी कि जनरल की देख पा रहे होंगे आप 62 कट ऑफ गई है, ओबीसी की 56 जो कि सबसे कम है, एससी की 59, एसटी की 48, तो देख रहे हो आप बिल्कुल सबसे कट ऑफ कम कहाँ की गई है, बेंगलोर की, तो आप बेंगलोर से फॉर्म भर सकते हो बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं अपन भोपाल की, भोपाल की कट ऑफ देख लीजिए आप, एसटी के लिए 58, एससी के लिए 63, ओबीसी के लिए 70, जनरल के लिए 75, तो ये देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी, गुवाहाटी की कट ऑफ देख रहे हो, जनरल की 77, ओबीसी की 72, एससी की 67,
57 ST की। तो ये कट ऑफ थी यहाँ की। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर भी एक डेंजर जोन है एस सी एस टी वालों के लिए। एस सी एस टी वाले यहाँ से फॉर्म नहीं भरे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल एस टी वाले तो भरे नहीं, क्योंकि एस टी वालों की लेती है सबसे डेंजर जोन माना जाता है अजमेर। एस सी की कट ऑफ गई थी 63, एस टी की गई थी 60। ओबीसी की बात करते हैं तो 70 और जनरल की बात करते हैं तो 73। जनरल वालों के लिए ठीक है, जनरल वाले यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी वाले और एससी वाले देख लें, जनरल वाले एसटी वाले तो बिल्कुल यहाँ से फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि इनकी कट ऑफ यहाँ से सबसे ज़्यादा जाती है। तो आप देख सकते हो सबकी मैंने कट ऑफ बता दी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी को पता चल जाए कि सबसे कट ऑफ कम कहाँ की गई है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप हमारा आपका काम करोगे, हम हमारा काम करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।